जहां पर ये पार्लियामेंट है दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, जहां पर हम लोग सभी सेशन में रहते हैं, वहां की जनता के साथ में एक अन्याय हो रहा है। जब हमने सेकेंड वेव देखी थी और मार्च और जुलाई के बीच में दिल्ली में 25,000 मौत हुई, जब दिल्ली की सरकार उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाई, तब दिल्ली की सरकार एक नई पॉलिसी बनाने में व्यस्त थी। एक नई एक्साइज पॉलिसी आई है, मैं आपको इसकी डेट बताना चाहता हूं, आपको हैरानी होगी, पूरे सदन को हैरानी होगी। 1 जून 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं कि दिल्ली के घरों में शराब की होम डिलीवरी दी जाएगी। जब दिल्ली के लोग मर रहे थे, देश के लोग मर रहे थे कोविड में, और 28 जून को दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी का टेंडर फ्लोट होता है और दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया जाता है, और बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो दिल्ली में 300 करोड़ रुपए का टेंडर लेते हैं। 2012-2013 में दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू था 3,000 करोड़ रुपया, 16-17 में हुआ 5,000 करोड़ रुपया, 19-20 में हुआ 6,000 करोड़ रुपया, और अब दिल्ली सरकार का 10,000 करोड़ का टारगेट है इस एक्साइज पॉलिसी से। क्या एक सरकार और दिल्ली का मुख्यमंत्री, जब पूरी दिल्ली जूझ रही है कोविड से, क्या वो एक शराब की पॉलिसी बनाने में व्यस्त हो सकता है? क्या इमरजेंसी जैसी स्थिति में एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना रेवेन्यू कैसे बढ़े शराब से, क्या वो इसके बारे में सोच सकता है? क्या जो मुख्यमंत्री नशा जो अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकता, क्या वो दिल्ली के बच्चों के लिए सोच सकता है? एक तरफ तो पंजाब में जाकर बोलते हैं मैं नशा बंदी करूंगा, और एक तरफ दिल्ली में नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या इससे घरेलू हिंसा नहीं बढ़ेगी? नो प्लीज। 2021 में दिल्ली में 2047 घरेलू हिंसा की घटना हुई थी। 0 आवर की मर्यादा भी ध्यान रखिए। सर जी सर, मैं आपको ये पॉलिसी के बारे में 2-3 बिंदु बताना चाहता हूं। एक, जो बच्चों की उम्र है वो 25 से 21 कर दी गई है कि अब बच्चे बिल्कुल कॉलेज में जाते हुए भी शराब पी सकते हैं। रात को ठेका 3 बजे तक खुलेगा दिल्ली में, और दिल्ली में पिंक बार खोले जाएंगे महिलाओं के लिए, और रात को 12 बजे से 3 बजे तक महिलाएं पिएंगी तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। समाप्त की जो दिल्ली के गांव है, कॉलोनियां है, जो दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग जोन है, जो कमर्शियल एरिया नहीं है, वहां पर भी ठेके खोले जाएंगे। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वायदा किया था साफ पानी देने का, मगर आज दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब दे रहा है दिल्ली की जनता को। अगर यहां पर भगवान मान नहीं बैठे, वो तो बड़े खुश होंगे इस पॉलिसी से, मगर दिल्ली की जनता मर रही है।